Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. I'm not gonna play. Hey guys, good morning, welcome back to my another vlog. And आज फ्राइडे, पहले चलते हैं जुमा की नमाज पढ़ लेते हैं. अभी लगभग टाइम है खुतबा से पहले, वैसे तो मस्जिद पहुंचना चाहिए, तो मस्जिद हम लोग खुतबा से पहले पहुंचेंगे इंशाल्लाह. हाँ, नाश्ता करने का टाइम नहीं है, तो पहले चलते हैं मस्जिद. तो गाइस, तो चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए. सो गाइस, तो मस्जिद के पास आ चुके हैं. So guys, तो नमाज हो चुकी है, जुमा की चलते हैं सीधा घर. So guys, दुकान आ चुके हैं नमाज पढ़ के, और ये पूरा काम अभी हो ही रहा है इसमें. So guys, तो घर आ चुके, कहाँ नमाज पढ़ के आते सो गया. कहाँ तरत खा है तो. So guys, तो चलते हैं अब अपनी बहन के लिए चिकन पकौड़ा लेने के लिए. So guys, तो सभी का नाश्ता ला दिए हैं. अगर कुत्ता को हाथ में नहीं दिया जाता, कैसे थे? लेकिन खाना का इज्जत किया जाता है, उसका तो इज्जत कर रहे हैं, इसीलिए तो हम तो पहले कर लिए थे. सो गाइस, तो चलते हैं वापस से नीचे. और वैसे तो मेरी बहन जा रही है डॉक्टर के पास, मैं चलता हूँ बस ऐसी घूमने के लिए. अरे जल्दी भागिए ना, आप क्या कर रहे हैं. सो गाइस, तभी हम लोग कर्बला में, और वैसे तो आज नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, शायद मैंने ज़्यादा खा लिया था इसीलिए. सो गाइस, तो दुकान आ चुके हैं. पर जमीन कितना खराब से धस गया था, आज पूरा बनने वाला है. राजीवुल नाम था ना, एक राजीवुल का एक नंबर बनाया. अब ओए दुकान बंद है, देख ओसियाना बन रहे को मार करके. नहीं कुछ बोल सकते भाई, मदारी बाबा बना भाई, फेमस है ये मदारी. अभी टेंशन चल रहा है कि दुकान का भी कितना काम होगा, क्योंकि 28,000 भाई, मतलब इसका कौन बोलता है. जितना बड़ा जगह वीडियो में दिखा, रियल में है नहीं इतना बड़ा जगह, है कि नहीं. 28,000 बहुत है. जेरॉक्स मशीन कहाँ रखे हुए हैं, कहाँ रखे हुए जेरॉक्स मशीन. हाँ, सुबह तभी दुकान का भी काम करने के बाद चल रहा है. पता नहीं मिस्त्री क्यों इतना ओवर दाम बता रहा है. मोहिम भाई बोले जेरॉक्स मशीन ने पता करके आने. चलते हैं जेरॉक्स मशीन का पहले पता करने, की बहुत समय से जेरॉक्स मशीन खराब रखा हुआ है. अगर बन जाता तो ठीक, नहीं तो फिर उसको बेच दिया जाएगा. जेरॉक्स मशीन में हम लोग है, ऑन नहीं हो रहा है. बन जाएगा या मशीन लेके, पहले मशीन लेके आएंगे. अब मेहनत इंजीनियर भेजेगा तब तो, फिर भी कितना लगेगा वो इंजीनियर भेजेगा, पहले चेक करेगा ना, चेक करेगा तो तब तो वो बहुत बढ़ेगा. ये रहा जेरॉक्स मशीन का, यहाँ पे होता है श्री बालाजी. सो गाइस, हम लोग जेरॉक्स मशीन लेके बात करने आए हुए, शायद बन जाए, शायद बन जाए, तो फिर जेरॉक्स नहीं होगा. ये मेरा नंबर मैंने ले लिया है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा. सो गाइस, तो यहाँ से ले रहे अभी हरा पराठा, क्योंकि मुहर्रम तक ही यहाँ मिलता है उसका, तो ख़त्म, मतलब मुहर्रम जाने वाला है. जाने वाला क्या, मुहर्रम से ख़त्म ही हो गया, बट कोई नहीं, बहुत जल्दी ये भी ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले जितना टेस्ट करना है कर लो. सो गाइस, तो नाश्ता कर लेते हैं अब. उस समय जो मैं लिया था हलवा पराठा, अब नाश्ता करते हैं. और ये घर के लिए दो रखा हुआ है. सो गाइस, चलते हैं अब फुचका खाने के लिए. तो रास्ता गिर गया घर, मतलब घर नहीं जा रहा है, और ये रहा सुल्तान, और मैं भी चलता हूँ सीधा आपका. सो गाइस, तो दुकान आ चुके हैं, और अभी दुकान का पूरा मतलब खाली होने के बाद कितना अलग लगता है यार. और ये रहा हाथ में रास्ता, और ये पूरा बनेगा पोर्टल के लिए जमीन, उसके बाद शायद दुकान खूबसूरत लगे, शायद. ऐसा जहाँ तक का भूकंप है ना, पूरी दुनिया का भूकंप यहीं आया है, यहाँ से धस गया, यहाँ से पूरा मतलब ख़त्म. सो गाइस, तो घर आ चुके हैं. गाइस, तो आज होने वाला है चैलेंज वीडियो, जो कि कोई भी एक पर, क्या है समा सभिया रूल बताओ पूरा. कोई भी एक पेपर निकालेगा ना, जिसमें जो आएगा वो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, कुछ भी आ सकता है. ठीक है, तो मैं भी रेडी हो जाता हूँ. गाइस, तो रेडी हो चुके हैं, एंड अब करना है चैलेंज वीडियो, जो कि बहुत ही यूनिक होने वाला है. एक पेपर निकाल के चेक करना होगा, मतलब पहले से नहीं, चीटिंग नहीं करना. मैं भाई लोग को आने दो, उसका होगा प्रैंक मेरे में और फहीम में, और कोई भाई इतना सपोर्ट करता भी नहीं. सो गाइस, तो हम लोग का चैलेंज वीडियो भी होता है स्टार्ट, और पहले स्टार्ट कौन करेगा, फहीम तुम या मैं. तो पहले फहीम से स्टार्ट होगा, तो चलो फहीम सेलेक्ट करो कौन सा पेपर आप सेलेक्ट करोगे. उसको अच्छे से फिक्स तो कर,
मिक्स तो ऐसे भी है, कौन है देखा है तुम लोग तो क्यों, मेरे को नहीं पता इसको क्या पता होगा। अरे इतना सोचा भी नहीं रहा है उठाया है। ये सब तकदीर साथ नहीं देंगे। क्या लिखी है अचार। इसका पेपर देखो क्या आया है, ये है फहीम अचार यानी पीकर, ठीक है। तो सबिया लाया जाए इसके लिए अचार आ रहा है आपके लिए। आँख पहले आँख लाल हो गई है, अच्छा चीज मिला है, आँख लाल हो गया, अच्छा चीज मिला है, अच्छा चीज मिला, अच्छा चीज मिला, अब तक सोचना है अच्छा कोई जब नहीं मिला। पर एक और चीज मैं बता दूं, और ये अचार इसका आ गया, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और अचार इसका आ गया तो ये वापस ये पेपर नहीं आने वाला है क्योंकि इसको हटा दिया जाएगा। सही नहीं है, मिला दिया था वापस, नहीं मेरा जो कैमरा मैन बोला वही मिला दिया था वापस, फिर मिला दिया जाएगा, कहीं अचार एक ही बार लिखा हुआ हो, सब तो एक ही बार लिखा हुआ बस, तब फिर अचार मिला दिया, बहुत खतरनाक खतरनाक चीज पर लिखा हुआ, मेरे को उसका डर है बस, वो ना है फिर आने दो, इसके बाद ही इसको मिलाया जाएगा। तो ये रहा अचार जो कि फहीम को लाया गया है, वो भी आम का अचार है, फहीम आराम से आँख बंद करो, बिस्मिल्लाह करो, खा लो खाना है, मुंह में रखना नहीं, मजा आ रहा होगा, बीच से मुंह देख के खट्टा बन रहा है ना। आम का अचार देख के मालूम मुंह में पानी आता है, जब मुंह में डाला जाता है बहुत ज्यादा पानी निकल, मतलब खट्टापन से ना सबको पानी आ गया मुंह में। करना हरकत करना उठ गया। सो गाइस, तो राउंड वन फहीम के साथ हो चुका है, अब मेरे साथ होने वाला है, तो फहीम तुम देखो जितना मिक्स करना है कर दो। हो गया, पुशअप कितना बार लिखा, पुशअप 10 times। अब मेरे को पुशअप्स मारना होगा 10 times। अच्छा कुछ खाने का नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह पुशअप्स मार ही लेंगे, बहुत ताकतवर, बहुत फिटनेस का है इसका, फिटनेस है तो अपने पास है कि नहीं अपने बताइए। 1 2 3 4 5 6 हलवा बोली, हलवा आ गया अभी, जस्ट बोली हलवा और हलवा आ गया। तो फहीम अभी अभी मेरे अब्बू हलवा लेकर के आए हैं, जो हलवा है हलवा खिलाते हैं फहीम को, पैकेट तो सामने ही है ना, नहीं हलवा कम देंगे, अचार बहुत था इसका, लेकिन ये भी आ रहा खाने का, सिर्फ आ रहा है जो नोटिस किया। अरे इसे किसे होते खाने में, मुंह पूरा भर लिया देखो, चलो चलो अभी बंद करते हैं अब इसको। चौमिन बना दे आप। अब है मेरी बारी। फहीम चौमिन सेट कर दी है। अप एंड डाउन जा। क्या बोला मेरे साथ? फिर से स्पोर्ट्स का अप एंड डाउन आया, उसे पूछा भी अप एंड डाउन खाने का आ नहीं रहा मेरे पास। खाने का आ नहीं रहा मेरे पास। तुम्हारे किस वतन के है उसके किस हम फहीम का लेके ये सब लिखवाए थे कि ये सब लिखो, और मेरे साथ हो रहा है, पुशअप से मेरे में आ गया। आपने क्या कैसा था बताओ, तो बता दो थोड़ी, कोई नहीं बचपन अप एंड डाउन मालूम है, मैं एक बार बता दूं, एक बार प्लीज शांत, अप एंड डाउन था, कान पकड़ के उठा बैठी कर वो भी 10 times, वही बच्चा याद आ गया, बचपना यार,
स्कूल के बाहर का दिन अच्छा मुर्गा बनने का नहीं लिखी है वरना फंस जाते सो गाइस तो ये लास्ट राउंड लेवल 3 और फिर स्टार्ट होगा फहीम से ही तो सेलेक्ट करो फहीम ऐसा चुनना है ये चाउमीन क्यों बना रहा है थोड़ा टाइम लगेगा लास्ट है ना खाने वाला फिर से अचार फिर से इसका अचार आया है सेम मेरे को लेके अच्छा मिठाई के बाद तीन छाल जाओ खाओ वापस तुम अचार अब फहीम का पनिशमेंट नहीं बोल सकते ये भी तो खाने का ही है तो खुश ले भाई खुश ले खुश ले आज तेरा दिन है बोला पेट भरा हुआ है मर लग नहीं रहा पेट भरा हुआ खाते जा रहा है कभी हलवा खा रहा था कभी पिकल्स खा रहा है मजा आ रहा है ना पानी मुंह में आ रहा है ना इतना सारा मैं एक बार खाना पड़ा ये तो अच्छा नहीं है इतना खा लिया देखो इतना खा लिया है बहुत जगह है इसमें नहीं वही बदमाशी करने बोल रहा सो गाइस तो ये लास्ट राउंड का जो कि मेरे ऊपर होने वाला फाइम का तो हो चुका है तो अभी देखते हैं कि मेरा क्या आने वाला है तो फाइम आपको चाउमीन मैगी सब बन गया हाँ बन गया तैयार है एकदम बन के रेडी है खुशबू आ रहा है प्याज नहीं नहीं पिछले साल परेशान हो गए थे प्याज नहीं नहीं प्याज नहीं पिछला बार रात को 3-4 बजे तक हम परेशान थे नहीं खाना पड़ेगा पुशअप्स सेटअप समझ देखता से काम पकड़ के उठा बैठी उसके बाद प्याज अरे एनर्जी वाला कोई सामान आता नींबू आया था ये तो काला पानी का सजा दे रहा है सही अरे काला पानी भी इससे अच्छा और मालूम है इतना गंदा सजा देखा देखा के प्याज लेके आ जाए प्याज लेके आ जाए हमको देखा देखा के मजा पिया जा रहा था इसीलिए हुआ प्याज सब ऐसी लिखा हुआ है अरे तो फिर उसको आया ना कैट फूड अच्छा वही नहीं आया अल्लाह उल्टी करके मर जाते अल्लाह वो मैंने मर जाएगा आदमी इससे नहीं इससे मर जाएगा आदमी सो गाइस तो ये रहा प्याज और पता नहीं प्याज से मेरा क्या पुराना रिश्ता है जब भी उठ कर क्या आता है प्याज ही आता है और कुछ मीठा रख भाई फ्रेंड सामने कुछ नहीं ये बात हुआ था खाना पड़ेगा प्याज इसको खा लेते ठीक है बिस्मिल्लाह वो भी ये तो प्याज छिलका है ये छिलका है ये क्यों खाएंगे ये तो ऐसे भी खाना में कोई यूज नहीं करता है आज इसका पूरा फिटनेस रेडी होगा हो गया कंप्लीट बहुत गंदा टेस्ट है प्याज का रियल में अगर खाली खाया जाए तो बहुत 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 गंदा टेस्ट है इससे गंदा चीज ना कभी कोई खाया नहीं होगा अब वो भी बदबू बहुत गंदा करता है मतलब रात को ब्रश करके सोएंगे 3 बार तब शायद बदबू खत्म हो सो गाइस तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा हर बार चैलेंज वीडियो बनाने का तो आप लोग कमेंट करना कौन सा चैलेंज वीडियो बनाओ इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करना एंड शेयर कर देना तो अगर ये वीडियो पसंद आया इसको लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बाय बाय टेक केयर रखिए